जिसमें नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल आराम से फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक्सिस क्यूब को। तो फ्रेंड्स, ये एक शेप शिफ्टर पजल होता है और ये काफी ट्रिकी पजल होता है। ठीक, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कैसा ये क्यूब है, दिखने में कैसा है और रिसॉल्व कैसे होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर सेट कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाल दें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और अगर आपको भी ये क्यूब परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पैकेट में से इसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको पैकेट को खोलता हूँ। पैकिंग तो फ्रेंड्स काफ़ी सही की गई इसकी, तो मैं इसको ऐसा तो फ्रेंड्स ये हमारा क्यूब है और ये पैकेट था, इसको तो साइड में रख देते हैं। इस क्यूब इसके अंदर हाँ, तो ये फिट चुका है और ये फ्रेंड्स हमारा ये क्यूब है कि पैकेट तो काफ़ी सही लग रहा है इसका मुझे। और ये क्यूब ले लो की तरफ से हमें ये कुछ लिख के दिया गया, क्या लिखा गया कि क्यूब केयर शो सम लव टू योर पजल्स, प्लीज़ इसको भी साइड रखते हैं। और ये शायद टैक्स इनवॉइस होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये टैक्स इनवॉइस ही, तो इसको भी साइड रखते हैं, इसको भी साइड रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स है। चलिए तो अभी बॉक्स को ओपन करके मैं इसमें से क्यूब को बाहर निकालता हूँ। तो पे ब्रांडिंग की गई है QI की, और मैंने QI का ही क्यों मंगाया क्योंकि मुझे लगा कि ये स्मूद होगा, QI के क्यूब बेसिकली स्मूद ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नाम जैसे कि एक्सिस क्यूब है वैसे ही ये एक्सिस पे ही रोटेट होता है, यानी कि देखिए मैं इसकी फर्स्ट रोटेशन करता हूँ तो देख सकते हैं आप ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है और इसकी रोटेशन तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है। और इन्होंने यहाँ पर लुब्रिकेट करके भी दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑयली दिखेगा, आप इसे देख लीजिए अच्छे से, नहीं भी दिख रही तो कोई बात नहीं, ये लेकिन स्मूथ है। ठीक, तो चलिए मैं एक बार इसको स्क्रैम्बल करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि स्क्रैम्बल होने के बाद कैसा दिखता है। वैसे हाँ फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रैम्बल हो रहा है। वैसे तो इसको स्क्रैम्बल करना भी काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि ये कहाँ से रोटेट करेगा, इतने स्क्रैम्बल में देखिए इसने कैसा शेप ले लिया, मुझे पता नहीं है कैसा सॉल्व होगा, तो थोड़ी दिक्कत की बात है ये। इधर से हो जाए भाई, हाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये स्क्रैम्बल हो चुका है और ये स्क्रैम्बल होने के बाद काफ़ी खतरनाक लग रहा है मुझको। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ट्रिकी क्यूब होने वाला है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, और जैसे मैं इसको सॉल्व करना सीख जाता हूँ उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।